तो स्टार्ट करते हैं हम डिबेंचर चैप्टर। सिंपल में क्या है, सिंपल वाले में आपको सिर्फ बेसिक एंट्री का नॉलेज दिया जाता है, इस चैप्टर में ना आपको बेसिक एंट्री बताया जाता है। सर बेसिक एंट्री का मतलब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या होता है, डिबेंचर का मीनिंग क्या है सिंपल वाले में। पहले मैं बैकग्राउंड भी दूंगा इस चैप्टर का, तो वो सारी चीज़ें किस में सीखेंगे, सिंपल का। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है, सर डिबेंचर का मीनिंग क्या है ना। तो डिबेंचर का मीनिंग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है। पहली बात, डिबेंचर इशू करने का राइट्स हमेशा किसी कंपनी को होता है। अगर जैसे कोई बोलेगा ना कि मैं, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं करा रखा, मैं चाहता हूं डिबेंचर इशू करना, तो नॉट पॉसिबल। तो डिबेंचर इशू कौन करेगा, कभी भी वो एक कंपनी करेगा। सर डिबेंचर इशू करने का मतलब किसको बेचेगा, ये पब्लिक को बेचेगा। यानी आप सभी को बोला जाएगा कि जो आप बैंक में, मान लेते हैं ये पब्लिक है, और इन पब्लिक से बोला जाए कि आप पैसे को, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा होता है क्या कभी, तो जवाब आएगा जी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। अब इनसे पूछा मैंने, मान लेते हैं पब्लिक है ए बी और सी, इनसे पूछा जी जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है क्या करते हो इस पैसे का, इन्होंने बोला कि हम बैंक में एफडी करा देते हैं, कुछ ने बोला कि हम शेयर बाजार में लगा देते हैं, कुछ ने बोला कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन है। तो मैक्सिमम पर्सन की अगर मैं बात करूं, आप अपने घर में भी देखोगे तो जिसके पास, पेरेंट्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के अंदर ना एक फिक्स डिपॉजिट करा देंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं LIC टाइप का। यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न जो मिलता है ना, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 6% के बराबर का, मान के चलो 6 से 7। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो 8 मिलता है, तो वही मान लो 10 तक मान सकते हो, 4 से स्टार्ट हो के 6 तक हो जाता है, आपको क्या मिलेगा ये ब्याज। आप 1 लाख रुपए जब जमा कराओगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, साल में सिर्फ 6,000। ये आपने कहाँ पे कराया है, या तो आपने ये करवाया है बैंक के अंदर, या एक और जगह है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, यहां पे डिपॉजिट करा दिए आपने पैसे। मैं आप सभी से बोलूं कि आप जाइए यहां से, जो भी आपने बैंक में पैसा जमा करवाया है या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया, उस FD को ब्रेक करवाइए, तोड़वा दीजिए, और वो पैसे मुझे दीजिए आप, तो आपका सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, सर वहां से हम FD तोड़वा के आपको पैसे क्यों दें। मैं बोलूंगा कि आपको 6% मिल रहा है, मैं आपको 15% दूंगा ब्याज। कुछ टाइम के लिए मन में लालच आएगा कि वहां 1 लाख जमा करते हैं तो कितना मिलता है, सिर्फ 6,000, और इनको अगर मैं दे दूं तो 1 लाख का कितना मिलेगा, तो माइंड में थोड़ा सा एक बार को अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही प्लान है, लेकिन फिर दोबारा आपका दिमाग स्विच करेगा कि बैंक वाले तो पैसे हमें देंगे, आप लेके चले गए तो आपके पास मेरा रिस्क है, पैसा डूब सकता है, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो मेरे पैसे वापस दोगे, क्या गारंटी है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूँगा आपको रिस्क के बदले 15% तो दे रहा हूँ, तब भी आप सब क्वेश्चन रेज करोगे सर हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, 15% के चक्कर में पता चला कि हमारा पूरा प्रिंसिपल भी डूब गया। तो जब कभी कोई कंपनी आप लोगों से पैसे मांगती है ना धीरे धीरे करके, तो जब पैसे मांगती है वो भी कर्जे के रूप में, लोन के रूप में, तो उसको बोला जाता है डिबेंचर। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ कंपनी तो कामयाब ही नहीं हो रही डिबेंचर इशू करने में। तो कंपनी क्या करती है, आप सभी को भरोसा दिलाने के लिए एक मैं आपके सामने प्लान लेके आता हूँ, उस प्लान को आप अच्छे से देखना, आपको भरोसा हो जाएगा और आप भी घर से पैसे FD निकाल के दे जाओगे मुझे, ठीक है। तो वो प्लान क्या है, वो प्लान सुनो आप, नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लान सुनो। तो वो प्लान क्या है, मैंने कहा कि देखो मुझे टोटल जो जरूरत है वो है मुझे, मान लेते हैं कि 50 करोड़ रुपए की। तो 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करना इंडिया के अंदर
मामूली सा काम है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो आधे 50-50 पैसे भी इकट्ठा कर लोगे ना सबसे तो हो जाएगा, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट हो जाता ही है। और मैं जो है ये सिर्फ जो क्लास ले रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहा, जितने भी पब्लिक है सबसे कंपनी डिमांड करेगी। लेकिन आपका क्वेश्चन रेज होगा, सर 15% मिलेंगे लेकिन मेरे पैसे की गारंटी। मैंने बोला मुझे 50 करोड़ चाहिए, और कंपनी को आप मामूली कंपनी ना समझें, कंपनी के पास अपने खुद के कुछ एसेट्स भी हैं। तो कंपनी ने क्या कहा कि मेरे जो बिल्डिंग है, मेरे बिल्डिंग का जो कीमत है वो कीमत है मान लेते हैं कि 80 करोड़ रुपए। इसके बिल्डिंग का कीमत कितना है? 80 करोड़। बोला हम एक काम करते हैं, आप मुझे 50 करोड़ रुपए दीजिए। अब एक व्यक्ति तो देगा नहीं कुछ, जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे, मैंने ABC लिया, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, और ये बिल्डिंग का पेपर मैं आपको दे दूंगा गिरवी के तौर पे। अगर आपको पता चले कि आप किसी को 50 करोड़ रुपए दे रहे हो और आपके पास 80 करोड़ रुपए का उसका प्रॉपर्टी जब्त पड़ा हुआ है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे, बोलोगे भाई अगर तुम मेरे पैसे लेके चले भी गए ना, फ़ायदे में मैं ही रहूँगा, क्योंकि 50 के बदले कितने मिल रहे हैं? 80 मिल रहे हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि जब कभी भी कोई सामान गिरवी रखते हैं तो उतने परसेंट का तो कर्जा नहीं मिलता, उससे कम का। यानी मैंने आपको भरोसा दिलाया कि मैं अपने बिल्डिंग के प्रॉपर्टी के पेपर दे देता हूं, और पेपर पे लिख देता हूं कि इनकेस डिफॉल्ट, अगर मैं डिफॉल्ट होता हूं तो आप 80 करोड़ रुपए इसकी बिल्डिंग को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी का पेपर तो एक ही होता है, अब जो डिबेंचर है कितने, यहां पे 3 तो मैंने नाम गिनवा दिए, और ऐसे 3 लाख और भी हो सकते हैं, तो सब में थोड़ी बांट सकता हूं मैं। तो इस सिचुएशन के अंदर इसका एक प्लान क्या निकाला गया, बोला गया कि हम ऐसा करते हैं एक ट्रस्टी बनाते हैं। सर ये ट्रस्टी का क्या काम रहेगा? हम एक ऐसा कंपनी से बिल्कुल सेपरेट एक बॉडी बनाते हैं। इस बॉडी के अंदर जो मैंने एक ट्रस्टी बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसके अंदर लोग जो रहेगा, जो इसके अंदर रहेगा, प्रॉपर्टी का पेपर मैंने बीच में रख दिया, ये लो, इस प्रॉपर्टी के पेपर को बीच में मैंने रख दिया, एक जगह लॉकर में रख दिया एक तरीके से। फिर बोलोगे सर प्रॉपर्टी का पेपर हमारे पास तो है नहीं। एक गवर्नमेंट का एक कोई अधिकारी हो सकता है, मे बी कोई IAS ऑफिसर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, कोई भी हो, मैं उसको रखूंगा यहां पे। एक हमारा कंपनी से कोई प्रतिनिधि, एक उसको रखते हैं। एक आप सभी को पैसे देने हैं तो आपको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर, आप भी अपने घर से किसी एक को बुलाइए, घर से मतलब आपका जो परिवार है डिबेंचर होल्डर, उसमें से कोई एक समझदार व्यक्ति को आप भेज सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ से। यानी यहाँ पे तीनों व्यक्ति हैं, सरकार भी है, कंपनी हेर फेर करेगी तो सरकार कंपनी के ऊपर देखरेख करेगी। अगर सरकार ये मिल गए तो हमारा एक व्यक्ति है जो कि हमारे प्रॉपर्टी के पेपर को देख रहा है, अगर प्रॉपर्टी का पेपर यहाँ से निकला तो ये शोर मचा देगा इसके पास आके कि भाई वो प्रॉपर्टी का पेपर ले गया तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये भी ऐसा नहीं कर सकता, और एक बार कंपनी अगर कुछ गलत एक्टिविटी करता है ना तो कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो कंपनी देखोगे ना तो आई भी और चली भी गई। अनिल अंबानी का जैसे एग्जाम्पल ले रहे हो, कंपनी कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी लेकिन वो डिफॉल्ट जब हुई ना पेमेंट करने में, उस वजह से कंपनी बर्बाद। सहारा, उसका भी मेन काम था लोन लेके, वो भी बर्बाद हो गई एक तरीके से। तो हमने एक अपॉइंट कर दिया ट्रस्टी, और आपके हाथ में एक प्रॉपर्टी का पेपर है तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा जरूर हो जाएगा कि यार बैंक में 6 और यहाँ पे मिल रहा है हमें 15%। बात तो सही है, प्रॉफिट ज़्यादा है और गारंटी भी है, तो दे देते हैं पैसे। तो आप मुझे क्या करोगे? पैसे दे दोगे। जब आप मुझे पैसे दोगे तो बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ तो पेपर दूंगा कि मैं लिख के देता हूं कि मैं आपसे 1 लाख रुपए या 50,000 या 10 रुपए जो भी अमाउंट है, मैं लिख के देता हूं कि मैं आपसे पैसे रिसीव कर रहा हूं और आपके नाम पे मैंने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया है ट्रस्टी के पास। एक डॉक्यूमेंट आपको लिख के दे दूंगा, आपके पास हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने लिख के दिया ना, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। इसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर बोलेंगे। और आपके पैसे कब रिटर्न करने हैं मुझे,
ये मैं आज ही बताऊंगा। मैंने अगर आपसे मान लेते हैं 100 रुपये लिया फॉर एग्जाम्पल, और मैं आज ही बताऊंगा 10 साल बाद आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा 100 रुपये, और ब्याज तो आपको हर साल मिलता, कंपनी को चाहे हो फायदा कंपनी को चाहे नुकसान आपका ब्याज नहीं रुकेगा। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि कंपनी का लॉस है या फिर प्रॉफिट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो कहीं ना कहीं कंपनी इस तरीके से डिबेंचर इशू कर देती है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल। वैसे इरिडीमेबल डिबेंचर अब नहीं होता, मेनली एक डिबेंचर होता है आपका रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जब डिबेंचर होल्डर के मैं पैसे वापसी दूंगा ना, तो उसे बोलते हैं रिडेम्पशन करना, समझे? तो इशू ऑफ डिबेंचर क्या है कि अब सर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, उसकी अकाउंटिंग कंपनी के पास कैसे पैसे आ रहा है नहीं है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। कौन डिबेंचर खरीद रहा है कौन बेच रहा है मतलब नहीं है। जब कंपनी ने सारा काम कर लिया, कंपनी के पास डिबेंचर का पैसा आया, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? एक बार में सारा पैसा लिया या टुकड़ों में लिया, उसकी अकाउंटिंग हम करने वाले, जिसको हम सीखेंगे सिंपल वाले टॉपिक में, बेसिक एंट्री में, जिसका नाम है इशू ऑफ, चैप्टर का नाम भी क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में रिडम्पशन, जैसे जैसे आएगा अदर देन कैश, कई बार हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे फिर भी आपको डिबेंचर देंगे, यहाँ सीखेंगे। कोलेट्रल सिक्योरिटी, कई बार डिबेंचर रख के भी लेंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा हम पूरा करेंगे। तो बेसिक बेसिक टेंटेटिव आइडिया लग गया। क्वेश्चन ये आता है कि सर डिबेंचर है क्या? तो डिबेंचर कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि हमने आपसे कर्जा लिया है, दैट्स इट। सर डिबेंचर का जैसा एक वर्ड और सुना है, बॉन्ड। ये क्या होता है? बॉन्ड। तो बॉन्ड और डिबेंचर में कुछ भी फर्क नहीं है, है डिबेंचर ही। मान लेते हैं आपसे मैं पूछूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया आपके नजर में एक सरकारी बैंक है, और रिलायंस लिमिटेड आपके नजर में एक प्राइवेट कंपनी है। तो जब रिलायंस लिमिटेड को कर्जे की जरूरत पड़ेगी तो वो इशू करेगा डिबेंचर, और जब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पता है क्या करेगा? बॉन्ड। फर्क इतना है बॉन्ड और डिबेंचर में। वैसे आज के टाइम पे सभी इसको डिबेंचर बोलने लगे हैं। एक वर्ड आता है सर, जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इस तरीके के भी कुछ वर्ड हमने सुने हैं एग्जाम में, थ्योरी में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डिबेंचर जब कभी भी आपको इशू किया जाएगा ना, हमेशा ऐसे दिया जाएगा, जैसे आपने डिबेंचर खरीदा, ये 15 है ना, तो इसको बोला जाएगा 15% और फिर ऐसे डिबेंचर होगा। सर आगे 15% लगाने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और डिबेंचर का हमेशा फेस वैल्यू मैक्सिमम टाइम पे 100 रुपये रहेगा। अगर कुछ भी ना बोले तो आपने क्या मानना है, डिबेंचर का फेस वैल्यू कितने रुपए का है हमारा? 100 रुपये का फेस वैल्यू। तो पता ही आप सबने 12th में भी देखा हुआ है, फेस वैल्यू होता क्या, एक शेयर्स का प्राइस या डिबेंचर का एक प्राइस, ठीक है ना। फेस वैल्यू कितना होगा? 100। अगर आप 100 रुपये का डिबेंचर खरीदते हो तो आपको सालाना ब्याज कितना मिलेगा? 15। कैसे पता चला? इस 100 रुपये पे जो आगे रेट लिखा हुआ है ना 15, इसे बोला जाता है। मैंने बोला मैं आपको डिबेंचर इशू कर रहा हूं एट द रेट 100 रुपये का, आप मेरे पास 100 रुपये जमा करिए, मैं आपको ब्याज ही नहीं दूंगा, क्या इंटरेस्ट रेट है? चलिए इंटरेस्ट रेट नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं। दिखा इंटरेस्ट रेट कितने? तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा, जीरो ही रहेगा। तो क्या मैं इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोल देता हूं, क्योंकि मैंने बोला ना डिबेंचर बॉन्ड को ही कहते हैं, तो इसको आगे जीरो है मतलब इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? जीरो कूपन, या इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। सर जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड तक तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको पैसा देगा क्यों जब उसे ब्याज नहीं मिलेगा? इसका आंसर यह है कि आप 100 रुपये मत दीजिए मुझे, आप मुझे 80 रुपये दीजिए बस, और एक साल बाद मैं आपके रिटर्न करूंगा 100 रुपये। आप जो मर्जी समझिए, 20 रुपये को ब्याज समझिए, 20 रुपये का प्रॉफिट समझिए, 20 रुपये का डिस्काउंट समझिए, हम ब्याज नहीं देंगे आपको। आप घर से 80 रुपये दीजिए और हम आपको रिटर्न जो करेंगे वो कितना कर देंगे? 100 रुपये रिटर्न कर देंगे। तो कुछ ऐसे भी डिबेंचर होते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन वो आपको सस्ते में दे दिया जाता है, और जब आपके पैसे लौटाए जाते हैं ना, तो वो लौटाए जाते हैं फुल अमाउंट, और कई बार फुल से ज़्यादा भी लौटाया जा सकता है। तो डिबेंचर एक आपको समझ में आया कि इसका नाम जीरो कूपन बॉन्ड क्यों है या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, क्लियर है आपको?
फुल अमाउंट एक बार में, टुकड़ों में भी हो सकता है, अभी देखेंगे इसके अंदर बेसिक में, ठीक है ना, पूरा एक बार भी हो सकता है और फिर हमारा टुकड़ों में भी हो सकता है पार्टली भी। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला मोटा मोटी अभी तक के लेक्चर में, अभी तक के हम क्लास में देखें तो क्या पता चला, सर डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर कंपनी को जब फंड का रिक्वायरमेंट होता है तो डिबेंचर इशू करके कंपनी फंड रेज कर सकता है, इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, ट्रस्टी वगैरह का सारा मैंने बताया, पब्लिक क्यों देता है। इसके अंदर मेन पॉइंट था डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, मैंने अभी ओरली बता दिया, जब थ्योरी का पार्ट आएगा तो मैं थ्योरी भी आपको पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो चलिए पहले वाले पॉइंट पे हम टिक करते जाएंगे करते जाएंगे, ये हमारा इंडेक्स है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो बेसिक एंट्री, सर बेसिक एंट्री कैसे होता है, डिबेंचर ना हमेशा हो सकता है 100 रुपये का, और 100 रुपये का अगर डिबेंचर है तो मे बी पॉसिबल है इस 100 रुपये को दो तरीके से मांगा जाए, इस 100 रुपये को दो तरीके से मांगा जाए पॉसिबल है सर, दो तरीके कैसे, एक लमसम, लमसम का मतलब आपको 100 रुपये एक साथ देने हैं, एक इंस्टॉलमेंट, सर लमसम और इंस्टॉलमेंट में कोई फर्क है क्या, बिल्कुल, 100 रुपये में आपको एक बार में 100 रुपये देने हैं, तो अगर आपसे लमसम में पेमेंट मांगा गया तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये, अगर एक ही डिबेंचर है कंपनी में, अगर 10 डिबेंचर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 डिबेंचर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, टू डिबेंचर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये, ये एंट्री क्या बताता है, अगर 100 रुपये मिलेगा इसका मतलब आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, आपके बैंक खाते में कंपनी पैसे आ चुका है, और किसने दिया है, डिबेंचर एप्लीकेशन के बदले आए हैं। तो यहां बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग लिखा जाएगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। अभी तो आपने सिर्फ पहले पैसे दिए हैं ना, पैसे देने के बाद आपको मुझे डॉक्यूमेंट भी देना है, तो अगली एंट्री डॉक्यूमेंट देने का होगा, जिसको हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर 15% है तो अब परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज डिबेंचर कितने आ जाएंगे 100 रुपये, बीइंग क्या लिखा जाएगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये लीजिए लमसम में दो ही एंट्री है, चाहे कितने भी डिबेंचर हो, एंट्री कितनी होगी, दो, एक तो पैसा लेने का और उस पैसे के एक ट्रांसफर करने का, ठीक है सर। इंस्टॉलमेंट में हुआ तो इंस्टॉलमेंट में अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये के कितने टुकड़े होंगे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने टुकड़े होंगे कंपनी के डिपेंड करेगा, मान लेते हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये, तो हो गए 40 और 30, 70 और 10, 80 और 20 मान लेते हैं, क्या इससे ज्यादा टुकड़े भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है कि पहले वाले को जो नाम देंगे ना वो होता है एप्लीकेशन, आपको याद है थोड़ा बहुत तो बताइए, दूसरे को क्या नाम देते हैं, अलॉटमेंट, दूसरे को नाम देते हैं, तीसरे का क्या नाम होता है, फर्स्ट कॉल, इसको सेकंड बोलिए या फिर फाइनल, याद है आप सबको ये सारा दो पॉइंट। अब मुद्दे की बात आती है कि सर इसमें वही वाला होगा फोर फीचर प्रोराटा बेसिस, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक एंट्री है, सिर्फ रिमाइंड करवा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपका यहां से स्टार्ट होगा जो एग्जाम के लिए बनेगा, लेकिन बस बेसिक मैं रिकॉल कर रहा हूं कि ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना कोई फोर फीचर होने वाला है, ना कोई पहली बार डिबेंचर फोर फीचर के जनरली होगा नहीं, उसके बाद ना कोई कैपिटल रिजर्व प्रोराटा, वो सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे फिलहाल, सिंपल बस मैं एक एंट्री करके दिखाऊंगा, उसके बेसिक नरेशन दिख के दिखाऊंगा। हाँ डिबेंचर सर सिर्फ एट पार पे इशू हो सकता है, तो मुद्दे की बात है सर डिबेंचर तीन तरीके से इशू हो सकता है, पार भी हो सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट भी, तीनों पे हो सकता है। पार वाला अभी देख लेते हैं, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ पार वाला, फिर एक मैं डिस्काउंट वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके कर दूंगा, और एक प्रीमियम वाला, ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पार वाले का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जनरल एंट्री अगर मैं करूं
तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट जर्नल एंट्री, किसका? पार वाले का। तो पहला एंट्री क्या करने वाला हूँ मैं, बैंक अकाउंट, और टू क्या करें बताओ, डिबेंचर। अब 30 रुपए है तो 30 लिखूंगा। बींग क्या होगा, अगेन वही जो पहले, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। अगली एंट्री यहां से स्टार्ट कर देते हैं, सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर, कितने रुपए आएंगे, 30 रुपए। अगेन बींग में क्या आएगा, बींग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर, ठीक है ना। बेसिक बेसिक एंट्री है, मैंने बोला ये एग्जामिनर इतना बेसिक पूछेगा नहीं, ये सारी एंट्री आपके बुक में क्वेश्चन है, सिर्फ पुरानी बातें आपको याद आ जाए इसलिए, बाकी क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे आगे से। अगली एंट्री यहाँ करते हैं, तीसरी एंट्री किसकी करेंगे, अलॉटमेंट की। तो एंट्री क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 15% डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 15% कितने रुपए का, 40 रुपए का। नरेशन क्या लिखोगे इसमें, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है ना। अगली एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा। अब ध्यान देना, पहली बार वाली एंट्री जो होता है बैंक में पैसा, फिर हम उसको ट्रांसफर, उसके बाद जितनी भी एंट्री होती है पहले हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ड्यू कर देते हैं, उसके बाद बैंक में पैसा आएगा। बैंक में पैसे की एंट्री कर देते हैं, तो बैंक में पैसे की अगर मैं यहां पे एंट्री करूं तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए। इसका बींग समझ में आएगा क्या, डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, है ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अगली एंट्री मैं फर्स्ट कॉल की यहां करने जा रहा हूं, स्पेस जैसे जैसे नहीं, आप नोटिंग पूरा करिएगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू कितने परसेंट, 15% डिबेंचर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल 15% डिबेंचर। फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या है, 10 रुपए जी, 10 रुपए आ गया। यहां बींग क्या आएगा, बींग डिबेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। आप सबने ये कर रखा होगा, थोड़ा बोरिंग सा भी लगेगा, लेकिन ये टॉपिक एक बार खत्म हो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे क्या होगा, बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, अमाउंट क्या आएगा हमारा, 10 रुपए, 10 रुपए। सर इसका बींग क्या लिखोगे, बींग होगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। फाइनल कॉल की एंट्री आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, वैसे मैं बता देता हूं लेकिन आप नोटिंग करोगे, खुद करोगे, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 15% वाला डिबेंचर, और उसके अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, समझ में आए। तो एक बार फटाफट से ये नोट करिए, फिर हम इसके आगे चलेंगे। चलिए सर, बेसिक एंट्री के अंदर एट पार वाला तो सिंपल आपने देख लिया, अब इसके दो पार्ट्स और देखने वाले हैं। पहले हम देख लेंगे एट प्रीमियम का, हमें एट प्रीमियम का कर तो रहे हैं लेकिन एट प्रीमियम का हमें मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने डिबेंचर का बताया कि डिबेंचर का जो फेस वैल्यू होगा मैक्सिमम केस में, कुछ भी हो सकता है वैसे, मैं 100 रुपये मान के चल रहा हूँ, और अगर मैं 100 रुपये से ज़्यादा पे आपको मैं बेचूँगा, यानी मेरी कंपनी का डिबेंचर 100 रुपये का है और मैं बोलूँ कि आपको ये डिबेंचर मिलने वाला है 105 रुपये का, और 10% है मान लो, तो जब कभी भी मैं 100 रुपये के डिबेंचर के बदले आपसे 105 रुपये में बोल रहा हूँ, तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आपसे लिया जा रहा है ये क्या है, प्रीमियम। अब आप मुझे बताइए ब्याज किस पे दूंगा मैं आपको, तो ब्याज हमेशा मिलेगा फेस वैल्यू पे, इस बात का ध्यान रखना है।
ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 105 पे तो फिर फायदा ही नहीं होगा वहां। तो जो ये 5 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं ना, 5 रुपए एक्स्ट्रा, इस 5 रुपए को, क्योंकि हुआ क्या, कंपनी का डिवेंचर 100 रुपए का है, 100 रुपए के बदले आपसे 105 रुपए रिसीव कर लिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया ना। जब आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया तो इस एक्स्ट्रा पैसे का यूज नहीं किया जा सकता। इस एक्स्ट्रा पैसे का यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो मुद्दे की बात आती है, सर फिर हम एक्स्ट्रा पैसा जब लेंगे और जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो लेके क्या करें। तो गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज बताए हुए हैं, कुछ जगह बताए हुए हैं, वहीं पे इस एक्स्ट्रा पैसे का इस्तेमाल करना है। 5 जगह बताए गवर्नमेंट ने, और वो बातें जो बताई है ना गवर्नमेंट में, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया यूटिलाइज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। पहला बोला जो ये एक्स्ट्रा पैसा आप रिसीव करोगे ना, इसका यूज करना है आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या अंडरराइटर कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके एग्जाम में आएगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां होगा। तो पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या अंडरराइटर कमीशन को राइट ऑफ करने में। सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और अंडरराइटर कमीशन क्या होता है, बहुत डिटेल में समझेंगे हम अदर देन कैश वाले टॉपिक में, ठीक है ना। नंबर 2, बायबैक करने के लिए। बायबैक का मतलब होता है खुद का शेयर खरीदने के लिए, ऑन शेयर परचेज करने के लिए। तो सर जब आप कोई भी शेयर खरीदोगे, भले अपने शेयर खरीद रहे हो, पैसे तो दोगे ना, पैसा कहाँ से आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अगर आपके पास पैसा है तो इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पैसा ही इस्तेमाल होगा, आपके जेब में और एक्स्ट्रा है तो और दो, लेकिन इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीमियरी एक्सपेंस और अंडरराइटर कमीशन देने के लिए, कमीशन देने के लिए कोई बच्चा बोलता है सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का ना दे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा पैसा है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और एक ऐसा पैसा है जहां फ्रीली यूज कर सकते हो। तो आप कौन से पैसे को जल्दी खत्म करना चाहोगे, जो स्पेसिफिक पर्पस लॉक्ड अमाउंट जो है। तो इसलिए यह बोला जाता है कि यहां से पहले प्रीमियम खत्म करिए, फिर आगे आपका पैसा जो बचेगा वो फर्दर यूज हो सकता है, जो फ्री पैसा है। नंबर 3, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए। अगर डिबेंचर को आप रिडेम्पशन करते हो, डिबेंचर होल्डर के अगर आप पैसे को रिटर्न कर रहे हो तो पैसे तो देने हैं, तो उस जगह पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। नंबर 4, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, चाहे आपका डिबेंचर हो, चाहे आपका प्रेफरेंस शेयर हो, कोई भी हो, इन दोनों के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी देखो अगला चैप्टर करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम डिबेंचर को रिडीम करने में वो भी आगे चैप्टर में सीखेंगे, बायबैक कैसे होता है ये भी हमारा एक चैप्टर है जो कि करेंगे हम, समझ में आई बात। तो जितने भी पॉइंट है ना सारा एक एक चैप्टर है जिसे हम करेंगे। नंबर 5, बोनस इशू करने के लिए। बोनस इशू का मतलब होता है फ्री के शेयर दे देने, मतलब आपके पास एक शेयर है, कंपनी खुश हो गई और बोली एक शेयर और ले लो, तो उसे बोला जाएगा बोनस इशू। तो बोनस इशू को जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा तो हो ही रहा है, उसका भी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 5 एरियाज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 5 नंबर में, कि आप बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम का किन किन जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, या सिंपल बोल दे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 को डिस्क्राइब करिए, या एक्सप्लेन द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। तो लिखना आपने यही 5 बातें, छठा कहीं लिखा नहीं है, कोई से भी किताब उठा लो आप,
मिलेगा आपको ये पांच बातें। सर इसके अलावा भी कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल, इसके अलावा यूटिलाइज किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट हमें परमिशन दे और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें और वो पढ़ने के बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, ROC, कंपनी लॉ बोर्ड। अगर हमें परमिशन देता है, इजाजत देता है कि आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से वर्कर को सैलरी दे सकते हो, तो मैं दे सकता हूं। अगर परमिशन नहीं दिया उसने या मैंने पूछा नहीं, तो मैं नहीं दे सकता। अगर इस सिक्योरिटी प्रीमियम का मैं वर्कर को सैलरी देने में खर्च कर दूं, मशीनरी को खरीदने में खर्च कर दूं, तो कंपनी के ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लगाया जाएगा और हो सकता है कंपनी को बंद करने का भी आदेश दिया जाए। तो यानी इस पैसे का इस्तेमाल इजिली नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये पांच जगह पर। एंट्री में तो देखेंगे कि क्रेडिट होगा, हमारे लिए फायदा तो है इनकम, लेकिन अभी फिलहाल पता चला यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो बताता जाऊंगा ये थ्योरी पूछा जाएगा, कोई अलग से आपका थ्योरी का चैप्टर नहीं है, वो प्रैक्टिकल में से ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार फटाफट से इसको भी नोट करिए, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर मैं इसके जनरल एंट्री पे आऊंगा, पहले यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नोट करिए, फिर जनरल एंट्री पे आऊंगा। ऑल्दो जिनके पास बुक है ना, बुक में गिवन है आप सभी को, देखिए डिस्काउंट पे यहां प्रीमियम के जगह मैंने कर दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट के केस में ये हो जाएगा 10, तो कितने हो गए टोटल अगर देखा जाए। मैंने आपको ये क्राइटेरिया दिया 50, 30 और 10, और यहां पे माइनस कर दिया। क्वेश्चन समझिएगा, मैंने इशू किया 10,000 डिबेंचर, 10 रुपये का एक, मतलब 100 रुपये का एक है 10% वाला, है ना, एट 10% डिस्काउंट पे। इसका मतलब 100 रुपये के बदले आपको 90 मिलेंगे। तो मैंने बोला कि किस पे डिबेंचर इशू हो गया, ये डिस्काउंट पे इशू हो गया। 90 रुपये कैसे मिलेंगे, 50 आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, 30 कहाँ मिलेगा और 10 कहाँ मिलेगा आपको फाइनल कॉल पे। डिस्काउंट पूछोगे सर डिस्काउंट कहाँ पे हम एंट्री दिखाएंगे, तो डिस्काउंट जब कुछ ना बोला जाए तो अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे डिस्काउंट के केस में जुड़ जाता है। प्रीमियम में माइनस कर देते हैं ना, डिवाइड करके, माइनस करके अलग अलग कर देते हैं, जुड़ जाएगा। यहाँ डिबेंचर का पैसा होगा 40 और उसमें डिस्काउंट का पैसा होगा 10। सर ये तो 50 हो गए, माइनस करेंगे लेकिन इसमें से 40 माइनस 10 फिर 30 बनाइए। समझे बात आप, क्लियर है यहाँ तक। एंट्री करें इसकी, एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री, इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा भी होने वाला है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 210 या डिबेंचर एप्लीकेशन। सर टू डिबेंचर एप्लीकेशन में देखा जाए तो 50 × में 10,000। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ये भी 5,00,000। इस एंट्री में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली एंट्री मेन डिस्काउंट वाली देखते हैं, एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि अगली एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट की, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब डिस्काउंट ना, जैसे प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा था तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होगा, नुकसान। तो नुकसान को क्या करना चाहिए, डेबिट। तो यहां करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और 210% डिबेंचर। तो डिस्काउंट की बात करें तो डिबेंचर अलॉटमेंट में तो ये आएगा 40 यानी 4,00,000, और डिस्काउंट में, सॉरी डिबेंचर अलॉटमेंट में आएगा 3,00,000, और यहाँ 1,00,000 और यहाँ पूरे, समझिए, क्योंकि अलॉटमेंट तो 30 का है, तो अलॉटमेंट में 30, डिस्काउंट 10 का है तो डिस्काउंट में 10, टोटल कितने हो गए 4, यानी 4,00,000 रुपये। अगली एंट्री बैंक में पेमेंट रिसीव की बात करें तो बैंक में पेमेंट कितने आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पूरे 4,00,000 रुपए या 3,00,000,
3 लाख रुपए आएंगे। अगर वो 4 दे ही देगा तो डिस्काउंट किस बात का? आपने 4 के बदले मुझे देने 3, लेकिन मैं आपको सर्टिफिकेट कितने का दूंगा, गारंटी कितने का दूंगा, प्रूफ पूरे 4 का। तो इसलिए तो मैंने 2 डिबेंचर लिखा है 4 का, समझे बात आप। इसके बाद अगले पॉइंट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट है हमारा किसका, फाइनल कॉल। तो डिबेंचर फाइनल कॉल 2 कितने परसेंट डिबेंचर, और फाइनल कॉल आप देखो 10 रुपए का है तो 1 लाख, समझ में आया। अगली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर फाइनल कॉल 1 लाख। पहले पुराने टाइम पे और अब भी यहां तक की एंट्री की जाती है। थोड़ा चेंजेस जो आया ना, लॉ ने क्या बोला, यार तुम्हारा एक नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की राइट ऑफ की एंट्री भी आप अभी करो। नुकसान कौन सा, ये फायदे की एंट्री। तो क्या कहता है हमारा कि फ्यूचर में होने वाला लॉस अभी रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में होने वाला फायदा बाद में करेंगे। ये था हमारा एक देखा जाए प्रिंसिपल था अकाउंटिंग का। सेम बोला गया, सर यहां पे लॉस तो हो रहा है आपको, इस लॉस को ना तुरंत पी एंडल में भेजो, फायदे को आप भेजो चाहे बाद में भेज देना, लेकिन लॉस को तुरंत भेजो। तो इस लॉस को पी एंडल में भेजेंगे, और यहां पी एंडल नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, पी एंडल का नाम थोड़ा मॉडल बना दिया गया, मॉडर्नाइज कर दिया गया, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको भेज देंगे तो एंट्री एक करेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट कितने रुपए डिस्काउंट जी, 1 लाख। इसका बीइंग क्या होगा, बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट को क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ। पहले ये डिस्काउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुआ करता था, उसे हम एसेट्स मान के ईयर में डिवाइड करते थे। अब गवर्नमेंट का नए नोटिफिकेशन के हिसाब से, नए लॉ के हिसाब से बोला एक बार में कंप्लीटली राइट ऑफ करो चाहे कितने रुपए भी हो। तो बाकी बेसिक एंट्री तो सेम है, एक एंट्री ये। अगर डेट वाला क्वेश्चन आया तो सर कौन से डेट पे कौन सा होना चाहिए, तो ये वाला तो हमेशा साल के एंड में ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सभी का डेट कुछ भी हो सकता है एज पर गिवन क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए डेट नहीं बताएगा। आपने कौन सा डेट कंसीडर करना है, साल का एंड, दिसंबर वाला है तो दिसंबर और मार्च वाला है तो मार्च। कोई दिक्कत यहां तक बताइए आपको, अगर कोई परेशानी है तो, कोई डाउट है तो बताएं।